मिसिंग प्रॉब्लम, मिसिंग प्रॉब्लम बोलते रहते हैं, ठीक है, सब लोग, खासकर एक्सेस में। ये तो गाड़ी इधर सब जगह फेल हो के, लेकिन बहुत शानदार गाड़ी, किसी को मालूम नहीं। तो आज मैं समझाता हूँ, ये एक मिसिंग में एक अलग सा मिसिंग, आज के वीडियो में यही है टॉपिक, ठीक है, लगे रहो। आज ये गाड़ी ये होल की वजह से, ये जो छोटा सा होल नज़र आ रहा है, ये होल की वजह से मेरी गाड़ी मिस मार रही थी, ऑफ हो रहा थी, ठीक है। क्यों, रीज़न क्या है, सिंपल है। अभी समझो कि हम सांस ले रहे हैं, हम जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए सांस ले रहे हैं। ऐसे ही जब टैंक में पेट्रोल रहता है, उसका जो एवापरेशन होता है, ठीक है, इंजन की हीट और बाहर का जो टेम्परेचर का हीट सब मिलके, ये टैंक के अंदर एक गैस फॉर्म होता है, ठीक है, ये पेट्रोल की वजह से एक गैस फॉर्म होता है। तो गैस फॉर्म हो रहा बोले तो उधर अंदर एयर टाइट हो जाता है, उधर पूरा कंप्लीट बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये लाइन, ये जो होल है, बंद नहीं रहना है, ठीक है, हमारी तरह इंसान की तरह जो सांस जैसे हम लेते हैं, ये भी सांस लेना है। ये मिस क्यों मारती है बोले तो, इधर जो हवा सर्कुलेशन नहीं रहता, ये जो होल है ये तो बंद हो जाता है, तब जाके हवा नहीं मिलती, एयर टाइट हो जाता है। और पेट्रोल टैंक के नीचे पेट्रोल टैप होता है, उसमें दो लाइन होते हैं, ठीक है, दो लाइन होते हैं, ठीक है, एक लाइन इंजन वैक्यूम प्रेशर से खींचता है, हवा खींचता है, ठीक है, जैसे हवा खींचता है पेट्रोल टैंक में से, और एक दूसरे पाइप में से कार्बोरेटर पे जाता है, ठीक है। जब ये समझ लो कि हवा जब अंदर टाइट हो जाता है, जब वैक्यूम नीचे से खींचता है, तब जाके वो टैप काम नहीं करता। क्यों बोले तो, ऑलरेडी हवा टाइट होके रहता है, तो पेट्रोल नीचे नहीं जाएगा। जब पेट्रोल नीचे नहीं जाएगा, तब गाड़ी मिस मारती है, ऑफ हो जाती है, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कभी भी गाड़ी ऐसा हो रहा है, स्पार्क प्लग अच्छा है, कार्बोरेटर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, गाड़ी मिस मार रही है, ऑफ हो गई है बोले तो, ये पेट्रोल टैंक का जो टैप है उसको खोलो, और उसका जो लाइन है उसको क्लियर करो, सब ठीक हो जाता है, ठीक है। एक एक मैं मेरे को डाउट था कि इसके ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आज का ये जो डाउट क्लियर हो गया। आज सुबह से ये गाड़ी सता रही थी, प्रॉब्लम कर रही थी, जब से मैं वो पेट्रोल टैप को क्लीन करके पेट्रोल भर के मैं स्टार्ट करके चला रहा हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये भी सीखने के लिए मिला, और सोचा कि एक वीडियो बना लूँ। तो बस है, यही है, आपको कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट करो, और मैं आंसर करता हूँ, और डेली वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी तो लंबी स्टोरी है, कहानी है, मैं वो सब बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो डेली वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटा छोटा करके। और आपको आपको क्या वीडियो चाहिए, और कौन सा वीडियो आपको इंटरेस्टेड है, तो बोलेंगे तो हमारे हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आज का इतना ही, यही वीडियो एक छोटा सा बनाना था, तो अगले वीडियो में देखते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।